बिहार में सुखार को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत से जब सुखार पर सवाल किया गया तो कृषि मंत्री ने अजीबोगरीब जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के साथियों से आग्रह किया है कि एक बार पूजा पाठ करा दे जिससे बिहार में बारिश हो जाए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। कृषि मंत्री ने कहा, जितना किसान परेशान है उतना ही सरकार भी किसानों के पीछे खड़ी है। बिहार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है तो वो किसानों का है। किसान ईश्वर स्वरूप है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि हमने भाजपा के मित्रों से कई बार कहा है कि बारिश नहीं हो रही तो पूजा पाठ करा दे, इतना मंदिर मस्जिद करते हैं, वो सुन ही नहीं रहे। क्योंकि हम किसान को ईश्वर स्वरूप मानते हैं। अब बारिश नहीं हो रही है, मैंने कई भाजपा के साथियों को आग्रह किया कि इतना मंदिर मस्जिद बनाने के चक्कर में रहते हैं आप लोग, एक बार पूजा भी तो करा दो, थोड़ा बारिश हो जाए, लेकिन सुन ही नहीं रहे उन लोग। अब देखिए कितने बड़े बड़े जो है धर्म की बात करने वाले लोग, कौन कौन बाबा आए, कितना प्रवचन दिए, लेकिन बारिश के लिए और किसान के लिए कोई प्रवचन उन्होंने नहीं दिया। खैर वो नहीं दिया तो उनकी मर्जी, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि आप पूरी की पूरी बिहार में नज़र बनाए रखिए, और हम पूरी तत्परता से नज़र बनाए हुए हैं जहाँ किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अभी जैसे पूरे बिहार में हमने मक्के की जो है बीज को पहुँचा दिया कि अगर धान की रोपनी नहीं हो पा रही है तो किसानों के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मक्के का बीज वितरण करिए। ऑप्शन होना चाहिए ना, मान लीजिए धान की खेती नहीं हो रही तो बहुत तरह की चीज़ है जिसको किसान कर ले। तो हम पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं, और पहला लॉट में हमने पूरे बिहार में मक्के की बीज जो है करीब गया में भी 900-950 क्विंटल हमने भेजा है, और किसान उसको ले रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे, चूंकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस वीक में थोड़ी बारिश की संभावना है, हम उसको देख रहे हैं। इस वीक में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो फिर हम कुछ न कुछ नए तरीके से किसानों के लिए कुछ फैसला लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।